नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 अप्रैल के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यश मिश्री घरों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, घरों में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जिनके कारण दोस्तों दुर्लभ क्षयों का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि यश में सोमवार का दिन होगा और इसी में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से गजब का संयोग बन रहे हैं जिनके कारण आपके जीवन काल में कई प्रकार के बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश में आपको अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों घरों की यश में बहुत ही शुभ स्थिति रहने वाली है जिनका प्रभाव आपके जीवन काल पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा। आपके घर के माहौल में यश में धन दौलत की प्राप्ति होगी। आपके रास्ते से सभी दुश्मन हटेंगे और आपका कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके प्रत्येक क्षेत्र में यश में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ होंगी, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होंगे जिनसे दोस्तों आपका जीवन में यथासंभव खुशियों की प्राप्ति होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी में आप वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरु जी का और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जमीन जायदाद संबंधी रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। आप अपने रुचिपूर्ण कामों को करने में इसमें बहुत अधिक प्रसन्नता महसूस करेंगे। बीमा वीजा पासपोर्ट आदि से संबंधित रुके हुए कार्य इसमें पूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों धन संबंधी मामलों में आप किसी चीज से समझौता नहीं करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में बोलते समय उचित व फिर सार्थक शब्दों का प्रयोग करें। अनावश्यक बोलने से जो है आप स्वयं की बातों में फंस सकते हैं। दोस्तों संतान की तरफ से कुछ चिंता रहेगी। वैचारिक मतभेद भी यश में हो सकते हैं। रुके हुए पेशे के मामले में किसी पर यश में भरोसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके द्वारा बनाई गई हर योजना में यश में बदलाव आएगा, इसलिए दोस्तों किसी भी बात को अंजाम देने की कोशिश आपकी नाकामयाब रह सकती है। पारिवारिक उलझनों से दूर रहकर अपने काम पर अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय कहीं से अच्छी व फिर शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे दोस्तों आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा। नए मकान की खरीदारी अथवा नवीकरण संबंधी योजनाएं भी बनेगी। दोस्तों आप अपना सारा समय जो है अपने काम पर बिता सकते हैं और इनसे आप अच्छे परिणाम भी हासिल करेंगे। दोस्तों सेवा संबंधी संस्थाओं में भी आपका यश में योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपकी सहन शक्ति में कमी आ सकती है। कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा। दोस्तों बेकार की बातों में व्यय की स्थिति भी रहेगी। अपनी किसी भी योजना को किसी के समक्ष उजागर न होने दें, अन्यथा आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके जो है आसपास बनी परिस्थिति को नज़रअंदाज करने की वजह से आपको जो है थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको भावनात्मक रूप से तकलीफ होगा। दोस्तों यश में उन बातों को ठीक करने की कोशिश करें, वरना ये बातें भविष्य के लिए बहुत ही तकलीफदायक साबित होगा। वहीं दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रयास से किसी नजदीकी व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे आपको भी आत्मिक खुशी महसूस होगा। दोस्तों विद्यार्थियों का भी यश में अध्ययन करने में मन लगेगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों के प्रगति के लिए यश में उत्साही रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, किसी प्रकार की वजह से या फिर बहस में आने से बचें और दोस्तों इनसे आप अपना आपा न खोएं। साथ ही दोस्तों अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन यश में इससे आ सकता है, तो इसका ध्यान रखें। किसी दुखद समाचार की भी प्राप्ति आपके मन को इसमें झकझोर सकता है।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको अध्यात्म में अधिक रुचि बढ़ेगी दोस्तों। खुद की और फिर दूसरों की भावनाओं को यश में समझ पाना आपके लिए आसान होगा दोस्तों। जीवन में प्रगति देखने के लिए आपको भूतकाल से जुड़ी तकलीफ को दूर करना होगा, जिसे दोस्तों जिसके लिए योग्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, बच्चे अपनी पढ़ाई परीक्षा तथा प्रतियोगिताओं के प्रति पूरी तरह आकर्षित रहेंगे। उधार दिया पेशा यश में वापस हासिल होगा दोस्तों। कोई शुभ समाचार मिलने से मन भी प्रसन्न रहेगा दोस्तों। यश में आपसी सकारात्मक सोच से आपकी कई कार्य क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी होंगी। तो साथ ही दोस्तों इसके उपरांत आपके मित्रता अथवा सहयोगी आपकी तरक्की से इससे आकर्षित सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी कोई भी उपलब्धि किसी से शेयर ना करें दोस्तों। घर में मेहमानों के आगमन अचानक से हो सकता है, जिनसे सारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में जिसकी वजह से आपके कुछ कार्यों में भी रुकावटें आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, नए काम की शुरुआत में प्रगति नजर आएंगी। काम के द्वारा यश में आपको नाम और पेशा दोनों प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को यश में बढ़ोतरी मिलने की आशंका है दोस्तों। परिवार संबंधी बातों में आपके विचारों का यश में महत्व दिया जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसायिक दृष्टिकोण से समय उत्तम होगा। आय के संसाधनों में यश में वृद्धि होगी दोस्तों। काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। राजकीय पक्षों में भी आपका यश में सहयोग रहेगा, परंतु दोस्तों आपसी तालमेल व फिर समझौते से चलने में भी लाभ होगा दोस्तों। इस बात का अवश्य ध्यान में रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में कार्य क्षेत्र में आप प्रगति के रास्ते में जाएंगे। व्यवसाय संबंधी कार्यों को करने में आपका यश में मन लगा रहेगा दोस्तों। दूसरे पर यश में आप विश्वास न करें, इनसे आपके ऊपर परेशानी खड़ी हो सकती है और इसमें आपके लिए मान हानि का कारण भी बनेगा दोस्तों। किसी पुराने मित्र से मुलाकात व्यवसायिक परिवेश में कुछ नए रास्ते भी दिखाएगा दोस्तों। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष परिश्रम द्वारा अपने टारगेट को हासिल करने में भी यश में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में व्यवसाय में जो है प्रचार प्रसार करने की जरूरत होगी। तमाम परेशानियों के बावजूद भी आप अपने कार्यों को उचित रूप से करने में सफल रहेंगे तथा दोस्तों उत्पादन क्षमता में भी यश में वृद्धि होगी दोस्तों। अधीनस्थ कर्मचारी के बीच आपका यश में दबदबा बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसाय की दृष्टि से समय उपलब्धिदायक होगा दोस्तों। रुके हुए सरकारी कार्य भी यश में पूर्ण तरह से सफल होंगे। नौकरी के नए जो है आवेदन कर रहे लोगों के लिए नौकरी मिलने के अवसर भी उपलब्ध होंगे दोस्तों। लेकिन यश में किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पर अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों यश में लोग जो है आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों बच्चों की समस्याओं को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि घर के बुजुर्गों की यश में सलाह लें या फिर उनकी उपस्थिति में समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें दोस्तों। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से समय को नष्ट ना करें, ये आपके लिए हानिकारक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों, घर का वातावरण यश में खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशी छाई रहेगी, लेकिन दोस्तों प्यार के मामले में सावधान रहें, कोई गुप्त बात यश में उजागर हो सकती है, इनसे दोस्तों आपकी बदनामी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक जनों के साथ चल रहे किसी शिकवे को यश में दूर कर सकते हैं दोस्तों। प्रेम अनुबंध यश में स्वीकार भी होंगे तथा विवाह संबंधी प्रस्ताव भी यश में आपके ऊपर आ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों, मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा और इनसे आप पारिवारिक जरूरतों को भी ध्यान में रखेंगे। वहीं दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपना स्वास्थ्य का आप अवश्य ध्यान रखें। यश में पेट दर्द तथा सीने में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। खान पान में सावधानी बरतने तथा नियमित चेकअप करवाना आपके लिए आवश्यकता होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, दांत का दर्द परेशान करेगा। गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति भी बन सकती है तो दोस्तों यश में मशीनरी चीज़ों या फिर लोहे के सामानों से सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस स्थिति में दोस्तों उचित देखभाल करना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों अपना स्वास्थ्य का भी आप यश में ध्यान रखें।
ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में महिला वर्ग के लिए जोड़ों में दर्द या फिर घुटनों में दर्द जैसी स्थिति रहेगी। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें।